अब बिग बॉस के बाद इतने धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की, तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी। और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रशी कमर और टिप टिप बरसा पानी, तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ, मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ। आसपास मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ। अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते, तो वो थोड़ा सा हुआ, बेचारों को लग गई शायद। सॉरी। ओके, मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे। श्री सर, हाय बेबी। यार आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है, आते हुए जाते हुए, और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी जब इंडस्ट्री में आए थे। हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया, लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली थी हमें, कभी नहीं मिला, तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली। हेलो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देबीना बैनर्जी। हाय, दिस इज गुरमीत चौधरी। विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ए भाई अविनाश, फोटो राइट साइड ना, मेरे सामने अविनाश हट ना, तू खड़ा करेगा यार, बाद में नहीं खड़े होंगे भाई, हो गया बॉस, हट ना भाई, हो गया तेरा सर, इकड़े इकड़े बगा, अरे ले रहा भाई, कमाल ले रहा है, थैंक यू, एक अरे डन, मैं यहाँ पे टाइफा अवार्ड, 7th टाइफा अवार्ड है जो भी टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और मेरा आफ्टर बिग बॉस फर्स्ट टाइम टाइफा में आ रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरा परफॉर्मेंस भी है। आई डोंट केयर बिग बॉस का फिनाले हो या फिर बिग बॉस का कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बिग बॉस सीजन 11 था, 12 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का अभी बता नहीं सकती, बिकॉज एक आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि कल पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा आपका सीरियल मिलने वाला है, किस चीज़ में आप एक्ट करने वाले हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये है कि 2019 बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। आखिर अर्शी वजह क्या है बिग बॉस फॉलो नहीं करने की, कोई तो फेवरेट होगा? फेवरेट है मेरा, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे श्रीशांत बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई लव श्रीशांत, और उसका जो भी वो गुस्सा करता है कुछ भी करता है, तो मुझे उसमें रूठ जाना है या फिर कुछ भी करना है तो वो अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। कल फिनाले है, कुछ एक्साइटमेंट है? फिनाले तो आज है, कल तो दिखाएंगे। तो एक्साइटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्रीशांत जीत जाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो फिक्सिंग हो गई हो दीपिका कक्कड़ के लिए। न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लानिंग्स करके रखी है, कोई स्पेशल प्लानिंग की है? मेरे लिए हर दिन ही न्यू ईयर है, मैं तो हर सुबह न्यू ईयर की तरह मनाती हूँ, मुझे कोई 31 दिसंबर या 31 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है। हाँ इवेंट बड़ा आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा। पार्टी कहीं भी कर सकती हूँ, घर में भी कर सकती हूँ, बाहर भी कर सकती हूँ। आई डोंट लाइक क्लब्स मैन। मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक साल मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह हम ऐसे ही जलवे दिखाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, ये 7th अवार्ड है, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मुझे बहुत बुखार हुआ पड़ा है, अदरवाइज मैं और जल्दी आता, बट मैं अभी जाऊँगा देखूँगा क्या हो रहा है। सो इट्स माय फर्स्ट टाइम अभी। हाँ हाँ जी, भगवान ये सब तो भगवान के हाथों में, कुछ क्या होगा देखेंगे बाद में। कुछ नहीं, अपने परिवार के साथ में, बस हम लोग परिवार के साथ में, मेरी फार्म हाउस में हो गया करजत में। थैंक यू। फर्स्टली वी हैव रीच टू टाइफा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हु ऑल विन द अवार्ड एंड बहुत सारे नए नए फिल्म अभी रिसेंटली आए हैं जो कि वेल डिजर्विंग हैं, सो मे द बेस्ट पर्सन विन। मैं एक्चुअली अवार्ड लेने नहीं आई हूँ, आई हैव जस्ट कम टू अटेंड द इवेंट एंड या वी हैव कम एज गेस्ट। जिया बहुत सारे गानों का मैशअप करने वाले हैं। 31st की तैयारी अभी तो कुछ नहीं है, कल प्लानिंग होगी, लेट्स सी। थैंक यू। हाय, हेलो, हाय। ओके, सेवेंथ एडिशन फॉर टाइफा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक कमाल की इवनिंग। मैं टीफा में 2015 में आया था, व्हेन जब मुझे बेस्ट होस्ट फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट से नवाजा गया था। इट्स अ फुल जर्नी नाउ, 3 साल बाद आ रहा हूँ। व्हेन आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन 2018, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अच्छा साल गया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत रिकग्निशन मिला है, बहुत एक्साइटिंग ईयर आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड द ईयर एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर। सॉरी, एक जना। हाँ जी जी, काफ़ी मुझे याद है, जब पिछला फंक्शन हुआ था, इट वॉज एट सन एंड सैंड इन 2015, एंड दोज आर द स्टार्टिंग डेज एंड दोज आर ऑल्सो माई स्टार्टिंग डेज एज अ होस्ट। इट वॉज वंडरफुल। आई थिंक एवरी टाइम यू रिकग्नाइज, इट्स एन एनकरेजमेंट कि आप कुछ सही कर रहे हैं जिंदगी में, तो मैं उसी इनकरेजमेंट को इस बार फिर से लेना चाहूँगा और 2019 में और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहूँगा। जी, अवार्ड रिसीव करने आया हूँ फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ डैजलिंग इवनिंग। बहुत सारे डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड यहाँ पर है, एंड जस्ट टू बी विद फेलो कमराज ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई थिंक इज वेरी स्पेशल, एंड जस्ट टू रिसीव एन अवार्ड इज इवन मोर स्पेशल। जी 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 जी। तो मेरे शो में हमने एक नया सीजन शुरू किया है, एंड आई एम गेटिंग एन ऑपर्चुनिटी टू प्ले शिवांश, who is the son of Shiva and Anika. Bahut bada challenge hai mere liye, trying to do new things, find new things. It's hard when you've played a character for 3 years and then you're playing something new almost immediately agle din, but we are trying our best. Okay, yeah. 2008 bahut hi khoobsurat raha, I think bahut sari cheeze seekhi, bahut hi khoobsurat experiences hue. There was a lot of recognition, a lot of love from all of you who have embraced our show Ishqbaaz, jo ki main jo kuch aur kaam kiya hai use bhi embrace kiya hai, itna appreciate kiya hai, critique diya hai, and I think main us sab ko lekar 2019 mein aur bhi acha kaam karna chahunga, and I hope I can really entertain all of you. Thank you. Thank you. बहुत खुशी का माहौल है और ये टाइफा का 7th अवार्ड फंक्शन है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और मैं शमीम एम खान और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस लेवल का वो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, और आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीन। बहुत
खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो कलाकारों की हिम्मत अफजाई होती है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. थैंक यू. देखिए ये मेरा 10-12 साल मुझे रेडियो करते हो गए और ये पहला रेडियो अवार्ड है मुझे बिंदास आरजे के लिए मिला है. टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था, उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था, लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए रिकग्निशन के लिए जिसकी वजह से मैं जाना गया तो बहुत खुशी की बात है. एंड ताइफा थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, क्योंकि रेडियो पर मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है तो खुशी की बात है. बहुत शानदार रही, बहुत बड़े बड़े जीना तमान जी के हाथों में मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जिनको बरसों जो है हमने स्क्रीन पर देखा है, सिल्वर स्क्रीन पर देखा है, पहली बार जो है मौका मिला है कि उनके साथ स्टेज शेयर किया और उनके हाथों, तो मतलब ये ब्लेसिंग ही है अपने आप में. बिग बॉस मैंने इस साल बहुत फॉलो किया तबाह करके, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में, क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करो दूसरे के वेल विशर्स फॉलोअर्स फैंस जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, तो वो हुआ है. मैं श्रीसंत को फॉलो कर रहा था और दीपिका कक्कड़ को फॉलो कर रहा था, तो बाकी लोग वो ट्विटर पे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते, तो अच्छे दोस्त भी बनाए दुश्मन बहुत बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में. भाई सीधी सीधी बात है, बिग बॉस इस साल जो है वो श्रीसंत जीतने वाला है, ये मुझे लगता है, मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि करण माय वाइफ इज देयर एंड शी सेइंग करणवीर, सो करणवीर बोल रहा आ जा कम, ये मेरे साथ नचबलिए में थी और इनके कारण ही जो है मैं डांस कर पाया, अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो इनकी चॉइस जो है वो करणवीर बोल रहा है. बीबी के आगे किसी की चलिएगा भाई, जो मेरी चलेगी, सारे कैमरा में हंस रहे हैं, हमारी भी नहीं चलती. न्यू ईयर का कोई खास स्पेशल प्लान नहीं है, साथ में स्पेंड करेंगे. 31st नाइट जो है वो साथ में घर वालों के साथ स्पेंड की जाएगी, दैट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू ईयर. जरूर इबादत की जाएगी ऊपर वाले की, गुरुद्वारे जाया जाएगा क्योंकि हम हरसल जाते हैं, और फिर हाउस पार्टी घर पे. Thank you so much. Thank you so much. Happy New Year to everybody. Thank you so much. Can we take pic? आके दें excited about being here, and this is the first time I'm coming for these awards. Ab andar jaake dekhte hain how is it going to be. Award lene aaye hain actually hum, aur jis waqt award lenge shayad us waqt ek do ek gana bhi ga denge jis gaane ke liye award milega. Sir, ye sensor board se picture aata kar rahi hai ji, sensor board se picture अंतिम समय पे आके करोड़ों रुपए डाल के अटका दिया था, सेंसर बोर्ड से पास होती है फिर रिलीजन के टाइम में अटका दिया, जिसके बारे में ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. हमारा काम सिर्फ स्टूडियो तक होता है, तो
सेंसर बोर्ड में पिक्चर जाके उसके बाद क्या होता है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। न्यू ईयर पे इस बार हमने अपने माता पिता को बुलाया है और हम उनके साथ घर पर रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जी अभी काफ़ी सारे 2019 में आपको भी बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे गाने रिलीज़ हो रहे हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। कौन सा सैड सॉन्ग? हम नवा मेरे, हाँ अभी और सिंगल कर रहे हैं, मोटिवेट हो गए वो सिंगल करके। यार अभी तो यू थिंक कि मुझे इंटेंशन होगा नहीं, अब बिग बॉस के बाद इतने धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की। तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रशी कमर और टिपटी बरसा पानी, तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ, मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ, आसपास मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ। अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते, तो वो थोड़ा सा हुआ, बेचारों को लग गई शायद। सॉरी। ना ना ना, ये सिर्फ 2 घंटे प्रिपरेशन किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। बाकी एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं, बिकॉज जब भी नई चीज़ होती है, नया काम होता है, एक्साइटमेंट तो रहता है। मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे। श्रीसाद, हाय बेबी। नीचे नीचे उतर जाओ प्लीज। क्या 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 यार, हम आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है आते हुए जाते हुए, और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी जब इंडस्ट्री में आए थे, हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया, लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली थी हमें, कभी नहीं मिला, तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली। और देबिना तो बहुत इमोशनल हो गई थी। नो, इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू ऑलवेज गेट एन अवार्ड, और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, पर ये नहीं पता था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी मिलेगा। सो आई मीन अवार्ड से जब नवाजा जाता है, मतलब वो बहुत ही, आप जब एक अच्छा काम करते हो और कठिन चीज़ों को पार करते हो, सो वाओ, दैट्स फॉर अस। ऑन स्क्रीन तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को मिल भी जाता है, ऑफ स्क्रीन बहुत ज़रूरी है अवार्ड वहाँ पे मिलना, क्योंकि वहाँ पे ऑन स्क्रीन आप एक्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो, उसका अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी जोड़ी के लिए, और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम इस जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी अवार्ड मिला, और कोशिश यही करेंगे जितने भी और भी जोड़ी हैं उनको भी ऑफ स्क्रीन अवार्ड मिले। इस बार तो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमारा दोस्त केवी करणवीर है वहाँ पे, उसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान की जीत होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड है, दीपिका फ्रेंड है, अभी पिछली फिल्म में इनकी हीरोइन भी थी, तो देखा जाए तो आई मीन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पर उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चालू है जो अनुपम खेर की मेहनत करोड़ों रुपये के लगा के अभी फिल्म रिलीज के टाइम में उसको अटका दिया है,
इसके बारे में आपको बताया, सेंसर बोर्ड से पास हो गई? वेल, इसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, जैसे ही मालूम चलेगा तो हम बता देंगे। और हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं। थैंक यू। अभी हम रिहर्सल से आए हैं, 31st को हम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों साथ में जोड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं। सो फॉर दैट अवार्ड डेफिनेटली गोज टू अस। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, उसका टेक्निकल से कल दिल्ली निकल रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल से 31st को हम लोग दिल्ली के जनता के सामने परफॉर्म करेंगे। बहुत बड़ा बैच है और उसके बाद हम फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर ज़रूर जाएंगे। जी जी, जिसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह की छवि खराब हो जा रही है उस फिल्म के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल, जब तक फिल्म नहीं देखेंगे तब तक तो आप कुछ बोल नहीं सकते। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रेलर आता है और उसी में लोग समझ जाते हैं और उसी पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है फिल्म देखना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि भारत की जनता अभी इतनी समझदार है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया का सब कुछ जब देख सकते हैं, तो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो सोचना क्या चाहते हैं। उसका सोच इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, सो किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगा के सब कुछ दिखाया जाए और भारत की जनता वो देख के डिसाइड करे वो किसी इंसान को पसंद करते हैं या पसंद करना चाहते हैं या व्हाटएवर इट इज़। सो उसको पहले कोई एक सेक्ट ऑफ पीपल उसको रोक के अपना जजमेंट लोगों पे ना थोपे। हेलो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देबीना बैनर्जी। हाय, दिस इज गुरमीत चौधरी। विश ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।